भक्त का घर जाना, भक्त के घर का द्रव्य खाना, ये विशेष भक्ति का अंग है, क्योंकि भक्त का घर में सब कुछ चिन्मय होता है। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं भगवत संबंधित, विशेष रूप से भक्ति कार्य, उसको भगवान के लिए करने का प्रयास करना अति आवश्यक है। जगत के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, दिन भर तो अपना संसारिक काम में हम लगे रहते हैं, लेकिन जब परमार्थिक विषय आता है उसमें भी अगर हम जागतिक चीज को घुसा लेते हैं उसमें, तो परमार्थ पथ अवलंबन करने का फायदा क्या हुआ। इसीलिए प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, इस जगत में कोई भी चीज का वैसे कमी नहीं है। इस जगत में देखा जाए, खाना है, पीना है, सब कुछ, कोई भी वस्तु का इस जगत में कमी नहीं है। अगर इस जगत में कोई चीज कमी है वो है हरि कथा। इस जगत में कोई भी चीज का अभाव है वो है हरि कथा। क्यों? हरि कथा जहां पर वास्तविक रूप में हरि कथा होता है वहां पर क्लेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है। संसार है दुखमयी, क्लेशमयी, जहां जहां देखो क्लेश ही क्लेश है। लेकिन हरि कथा एक ऐसा अमृत इस जगत में भगवान ने स्वयं भेजा है, जिस अमृत को पान करने से सर्व दुख, सर्व प्रकार के क्लेश दूर हो जाते हैं। इसीलिए आप यहाँ के तुलसीदास जी के दोहे सुनते हैं बहुत, हमारा गुरु महाराज जी अक्सर बोला करते थे, सूत धारा लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वय। कई बार हम लोग श्रवण करते हैं लेकिन इसका वास्तविक निगूढ़ अर्थ क्या है ये हम में से कोई चेष्टा भी नहीं करते हैं समझने की। तुलसीदास जी ने तो अच्छा बोल के चला गया, लेकिन उसका अर्थ क्या है? सूत धारा लक्ष्मी पापी के भी होए, अगर श्री धन घर इत्यादि किसी का जरूरत है, बोलते हैं पापियों के पास भी है ये सब चीज। क्या पापियों के पास कम है? गुरु महाराज जी बोलते हैं धन ज्यादा पापियों के पास ही होता है। जो अशुक्ल वित्तीय जो है इकट्ठा करने का चेष्टा करते हैं, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा है, और स्त्री पुत्र का कोई कमी नहीं है। अगर इसी कामना से संत के पास भी जाते हैं तो फिर क्या फायदा हुआ? संत को ये चीज संत के पास प्राप्त करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, पापियों के पास जा सकते हैं, ये अच्छे से मिलेंगे और भी ज्यादा देंगे। लेकिन सच्चा साधु मिलना मुश्किल है, एक तो मिलना बहुत मुश्किल है। हरि कथा हरेक व्यक्ति बोलता है, मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन हरि कथा किस लिए बोल रहे हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? हरि कथा बोल सकते हैं कोई एक व्यक्ति, उस घर में जाने से थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, एक घंटा कथा करता हूं तो फिर इतना पैसा मिलेगा, या भागवती एक सप्ताह करने से जो है इतना पैसा मिलेगा। उद्देश्य हरि का स्मरण, हरि का चिंतन, हरि का सेवन नहीं है, उद्देश्य है पैसा कमाना। गुरु महाराज जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं धन की कथा, हरि की कथा नहीं है वो है धन की कथा। कितना भी वो हरि कृष्ण नाम ले लें, लेकिन वो हरि कृष्ण जो है धन धन नहीं है। वो हरि कथा बोल के चला जाएगा और धन इकट्ठा करके चला जाएगा, जिन्होंने हरि कथा सुना उनको भी धन ही ज्यादा प्राप्त करने का प्रेरणा मिलता है। क्यों? उसने धन का ही कथा किया, हरि का कथा नहीं किया। गुरु महाराज जी बोलते हैं रामायण महाभारत इत्यादि टीवी में सीरियल आता है, उसको देख करके कितने लोग भक्त बने,
शायद ही कोई बना होगा। क्यों? उद्देश्य क्या था? धन जन प्रतिष्ठा। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। जब उद्देश्य हमारा ये हो जाता है तो फिर दूसरों के पास जो मैसेज पहुंचता है वो भी इसी का मैसेज पहुंचता है। इसीलिए हरि कथा हरेक बंदा बोलता है। सुबह सुबह खोलोगे बहुत सारे लोग हरि कथा बोलते हैं, लेकिन इसमें से कितने लोग वास्तविकता में हरि कथा बोलते हैं? अगर सब लोग कथा बोलने वाले हैं तुलसीदास जी का यह दोहा गलत हो जाएगा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गई। तुलसीदास बोल रहे हैं संत समागम और हरि कथा दोनों ही दुर्लभ है। संत समागम भी दुर्लभ है और हरि कथा भी दुर्लभ है। तो तुलसीदास जी का दोहा गलत हो गया। इतने लोग तो कथा करने वाले हो गए, गली गली में कथा करने वाले हो गए, घर घर में कथा करने वाले हो गए। एक कथाकार दूसरा कथाकार का कथा सुनने में रुचि नहीं रखता है। मैं उससे ज्यादा बोलता हूं तो मैं इससे ज्यादा बोलता हूं, लेकिन तुलसीदास जी बोल रहे हैं हरि कथा दुर्लभ। हरि कथा मतलब हरि के लिए जो कथा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो करते हैं, ऐसे साधु अति अति दुर्लभ है, खोज के भी मिलेंगे नहीं। कोई प्रतिष्ठा कामना के लिए हरि कथा करते हैं, बहुत अच्छा कथा बोलता है ये, बहुत श्लोक बोलता है ये, इसको बहुत ज्ञान है, इसको जो है स्थापित करने के लिए कोई हरि कथा करता है, तो उसका क्या प्रतिष्ठा कामना वाला कथा हो गया, ना कि हरि कथा। हरि कथा वास्तविकता में क्या है? याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। विदुर उद्धव जब ब्रजधाम में जाते हैं वो बोलते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणम अभीक्ष्णशः। मैं इस ब्रज भूमि का जितने भी गोपियां हैं उनका पाद रेणु को अपना मस्तक पे लेता हूं। क्यों? याशाम हरिकथोपितम, जिनका हरिकथा रूपी जो अमृत है पुनादि भुवनत्रयम्, त्रिभुवन को पावन कर सकता है। किनकी कथा? गोपियों की हरिकथा। गोपियों की हरिकथा मतलब जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तियों की हरिकथा त्रिभुवन को पावन कर सकता है। ना कि कुछ अपना धन कमाने के लिए या तो लोक रंजन के लिए, कुछ लोग हरिकथा लोक रंजन के लिए भी करते हैं, या तो प्रतिष्ठा कमाने के लिए क्या करते हैं कि जड़ जगत और चिन्मय जगत दोनों का सामंजस्य कर लेते हैं। वो भगवान का धाम में भी ऐसा होता है जैसे यहां पर होता है, सामंजस्य कर लेते हैं दोनों का। किस लिए? जनसंख्या बढ़ाने के लिए, मेरे पास ज्यादा शिष्य हैं। लेकिन जहां पर गुण है वहां पर संख्या अपने आप ही कम होगा, जहां ज्यादा संख्या है वहां पर गुण का कमी होना अवश्यंभावी है। इसीलिए हरि कथा जो संसार में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज का अभाव है, केवल और केवल मात्र हरि कथा छोड़ करके और कुछ नहीं है। मैंने कल शाम को हरि कथा में बोला था, हम सबके सामने ये सुअवसर मौका है। क्या? गुरु महाराज जी ने उस जगत से जगत में आकर के हम सबके लिए हरि कथा परिवेशन किया और उनके साथ जो रहते थे उन लोगों ने रिकॉर्डिंग करके रखा हमारे लिए। मैं बार बार इसी बात को बोलूंगा, अगर ये महीना न्यू दिल्ली मठ में आप लोगों के साथ रह करके ये कार्तिक व्रत करने का फायदा हुआ तो मैं ये समझूंगा कभी फायदा हुआ, जब आप लोग गुरु महाराज जी की हरि कथा श्रवण करना स्टार्ट करेंगे तो। क्योंकि इस जगत में वास्तविक हरि कथा करने वालों की कमी है। गुरु महाराज जी की भाषा समझ में नहीं आता, ये कोई कारण नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे अपने आप ही समझ में आएगा। इस जगत में कोई भी प्रकार का क्लेश किस लिए हो रहा है? हरि कथा का अभाव। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के साथ नहीं चलता, गृहस्थ गृहस्थ के साथ नहीं चलता, ब्रह्मचारी गृहस्थ के साथ नहीं चलता, और एक घर में एक इकट्ठा नहीं दे सकते हैं। क्यों? हरि कथा
सब लोग नाम संकीर्तन का झंडे के नीचे एकत्रित रहो, रूपानंद गुरुवर का सेवा के लिए, अपना आश्रय विग्रह श्री गुरुदेव का सेवा करने के लिए एकत्रित रहो, तब वास्तविक मंगल अपना हो सकता है, दूसरों का हो सकता है। हरि कथा बोल दिया, जो अपना मंगल नहीं कर सका दूसरों को क्या मंगल कर पाएगा। खुद ही हरि कथा बोलने से विषयों में फंसा है, पैसा कैसे कमाए, प्रतिष्ठा कैसे कमाए, वो दूसरों को कैसे चलेगा। इसीलिए संत समागम को और हरि कथा को चुनना बहुत मुश्किल है। जहां पर श्रेष्ठ संत है वहां पर जाकर के गुरु महाराज जी का हरि कथा श्रवण करते हुए हम अपना जीवन यापन करेंगे, कोई भी प्रकार का दुख क्लेश नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा एक ही विनती है सबके चरणों में, गुरु महाराज जी की हरि कथा अवश्य श्रवण कीजिए। रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, वो किस लिए रखा है, गुरु जी की हरि कथा श्रवण कीजिए तो वास्तविक कथा क्या है समझ में आएगा। जो कुछ बोल दिया मन में, जो आया बोल दिया, उसको हमारे एक महाराज जी बोलते थे प्रसव यंत्रणा। प्रसव यंत्रणा समझते हैं, एक माता का गर्भ भर गया, 9 महीना हो गया, उस समय यंत्रणा होता है, कैसे भी करके बच्चे निकाल दे और सहन नहीं होगा, तो इसको प्रसव पीड़ा बोलते हैं। जो बच्चे आया मन में बक देना, बोल देना, इसको ये हरि कथा नाम दे देना, ये प्रसव पीड़ा है। भगवान की इसमें कोई प्रकार का सेवा भाव नहीं है, भगवान का सेवा भाव रहित जो भी कार्य भगवत संबंधित है भगवान तक नहीं पहुंच सकता है। आज हमारे श्याम जी के जो पिताजी हैं उनका तिरुभाव तिथि है, हमारे महाप्रभु राय रमन को प्रश्न करते हैं कि इस जगत में सबसे ज्यादा दुख क्या है। बोलते हैं भक्त वियोग रूपी दुख ही सर्वोत्तम दुख है, भक्तों का अभाव ही या कोई भक्त का हमसे दूर होना ही सर्वोत्तम दुख है, इससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। तो हमने सुना था श्री रामनाथ जी, उन्होंने बहुत सेवा किया था, हमने देखा भी था उनको, लेकिन उस समय उनका तो हम बहुत ज़्यादा महत्व नहीं समझ सका, हम आते थे दूर से ही, हम उनका दर्शन किया था, कभी कभी प्रणाम करने का भी मौका मिला। तो उन्होंने बहुत सेवा किया के लिए उनको गौर आशीर्वाद भी मिला, और भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से, और नीचे गुरु जी का भी राइटिंग लिख रहा हूँ, 28 मार्च 1964 गुरु जी का राइटिंग है, तो इसमें लिखा है पंजाब, ये तो संस्कृत है, पढ़ो समझ में आएगा, मेरे को नहीं आएगा, हमको रह सकते हैं। पंजाब देश जो दिल्ली प्रवासी वणी जामकर श्री रामनाथ दासाधिकारी सज्जन सेवक वृंदावने श्री चैतन्य गौड़ मठ सेवने सहायक विशेषेण विविधम विद धाति शुद्ध भक्ति प्रचाराय कृतोत्साह उदार।